बेसिकली मैं बातों को इधर उधर ना घुमा के मुद्दे पे आना चाहूंगी। मुद्दा ये है कि हम सारे छात्र आज यहाँ के लिए एकत्रित हुए हैं, क्योंकि परसों एक ऐसी मार्मिक घटना हुई जो कि मानवता के खिलाफ है, जो मानवता का हनन है। ये जो मानवता के खिलाफ जो मार्मिकता हो रही है, ये ना सिर्फ किसी धर्म किसी जाति के खिलाफ है, ना किसी कौम के खिलाफ है, बल्कि पूरा पूरी की पूरी मानव जाति इस हुए इंसिडेंट से शर्मिंदा है। क्योंकि ये आज पहली बार नहीं हुआ है, जब से ये मोदी सरकार आई है तब से इस तरीके की रोज नित नए कारनामे करे जा रही है। कभी गाय के नाम पे, कभी गौ हत्या के नाम पे, कभी गौ रक्षक बनने के नाम पे। उत्तर प्रदेश का ही ले लें, जैसा कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ इसलिए उत्तर प्रदेश की स्थिति ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकती हूँ। और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बड़ी लोकसभा और राज्यसभा सीट कॉन्स्टिट्यूट करती है, इसलिए मुझे लगता है देश की राजनीति को बहुत ज्यादा ही प्रभावित करती है। उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार बनी चली उससे भी कोई आपत्ति नहीं थी हमें, पर योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना, इतने रेडिकल आदमी को मुख्यमंत्री बनाना, ये बहुत ही निंदनीय उनका एक स्टेप था। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो किया, जैसे रोमियो जूलियो स्क्वाड, जो इनका जूलियट रोमियो, जिसके उन्होंने युवाओं को परेशान किया, जिसके द्वारा ठीक है अपमानित किया गया एक तरीके से जो युवा समाज है। और आज ये जो हो रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है गाय के नाम पे, गौ हत्या के नाम पे, ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि आज मोदी सरकार में स्पेसिफिकली जो मुस्लिम कौम है उसको स्पेसिफिकली जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। रोज नए नए बहाने बनाकर उन्हें परेशान करने की के तरीके ढूंढे जा रहे हैं। और मैं ऐसे किसी सरकार को, ऐसी किसी संस्था को, ऐसी किसी भी आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करती जिसमें एक मानव को, एक व्यक्ति को, एक इंसान को दूसरे इंसान की हत्या किए जाने का कोई भी इस तरीके का राइट उपलब्ध हो। क्योंकि जब हम किसी को पैदा नहीं कर सकते तो हमें उसे मारने का भी कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दूसरे जाति, दूसरे धर्म या दूसरे कौम से ताल्लुक रखता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी हत्या कर देंगे। परसों जो अफरजुल के खिलाफ जो उसको एक जिंदा आदमी को पहले तो फावड़ों से कुल्हाड़ियों से मारा गया, और जब वो दर्द से चीख रहा था, मैं अनुरोध करूंगी कि आप लोग उस वीडियो को देखिए ताकि आप लोग इस सरकार के द्वारा फैलाई गई नफरत को ज्यादा करीब से जान सकें, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। एक जिंदा आदमी को पहले कुल्हाड़ियों से मारा जाता है, फावड़ों से घायल किया जाता है, उसके बाद जब वो आदमी दर्द से चीख रहा होता है तभी उस इंसान को जिंदा जला दिया जाता है। उसकी निकलती हुई चीखों को जब आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि मानवता कितनी शर्मसार हो रही है। आखिर क्यों एहसास नहीं हो रहा लोगों को, आखिर क्यों एहसास नहीं हो रहा सरकार को? मैं गुहार लगाती हूँ हर उस इंसान से, हर उस व्यक्ति से जो कि अपने अंदर अपने आप को एक मानव समझता है, कि लड़िए, लड़िए इस बढ़ रही नफरत के खिलाफ, लड़िए मानवता के लिए, लड़िए हम सबके साथ खड़े होकर लड़िए। लोग कहते हैं कि आज जेएनयू एक तरीके की नफरत का माहौल फैला रहा है, जेएनयू लोगों को बरगला रहा है, जेएनयू अलग अलग मानसिकता। आखिर किस बात की आजादी चाहिए, किस बात की आजादी चाहिए? आज मैं बोलना चाहती हूँ कि हम इसी बात की आजादी मांग रहे थे, इसी नफरत से आजादी मांग रहे थे, ठीक है, इसी दकियानुसी मानसिकता से आजादी मांग रहे थे। किसी भी इंसान को इस बेसिस पे, कौम के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जज करने पे, इस बात से छुटकारा चाहने की हमें आजादी चाहिए, अपनी बात रखने की आजादी चाहिए। ऐसी सरकार को, ऐसी सोच वाली सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक देने की आजादी चाहिए, ताकि इतिहास दोबारा ऐसे कभी भी शर्मसार ना हो सके।